नमस्कार दोस्तों, वर्ग समीकरण 10वीं भाग 2 जानेंगे, श्रीधराचार्य विधि से हल करना जानेंगे। ये द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का गुणनखंड आसानी से ज्ञात नहीं होता, वहां पर प्राचीन गणितज्ञ श्रीधराचार्य के सूत्र का उपयोग करते हैं। ये पहला सवाल है। एक्स टू एक्स प्लस फाइव इजक्वल टू 25 सूत्र विधि से हल कीजिए। इसी को श्रीधराचार्य विधि से के सूत्र का उपयोग करके हल करना है। हल हो जाएगा बराबर, इसको सीधे मल्टीपल कर दीजिए, टू एक्स वर्ग हो जाएगा प्लस फाइव एक्स बराबर 25। अब इसको 2x वर्ग प्लस 5x इसको इधर करना है, माइनस 25 बराबर जीरो, इस तरह से कीजिएगा। अब इसको हम लोग व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। ये व्यापक समीकरण ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर, इससे तुलना करने पर ए बराबर ए है, ए बराबर दो है और बी बराबर पांच है और सी बराबर माइनस 25 है। अब यहाँ श्री धराचार्य का सूत्र है, ये प्राचीन गणितज्ञ है, इनका सूत्र है, सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी वर्ग माइनस 4ac बटे 2a। अब इसमें मान रख देते हैं, x बराबर हो जाएगा, b का मान है 5 तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 वर्ग हो जाएगा, b वर्ग है 4 इंटू टू इंटू माइनस 25, ऐसे ही कमान 25, अब ए का दो है तो बटे 2 इंटू 2, ए कमान दो है, सूत्र में दो है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 5 गुणित 5 करेंगे, वर्क करेंगे तो 25 होगा, माइनस इसका 4 दुनिया 8 और 25 आठे 200 माइनस, और हाँ माइनस माइनस गुणा हुआ, ये माइनस और ये माइनस गुणा हुआ तो प्लस हुआ, तो 200 हुआ, 200 बटे दो दुनी चार, दो दुनी चार, फिर एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस, अब इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 225 बटे चार, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 225 का वर्गमूल हो जाता है 15। वर्गमूल निकालने के लिए हमारे चैनल में पिछले वीडियो में बताया गया है, ये 4 का 4, तो अब पुनः x बराबर हो जाएगा, माइनस 5
प्लस माइनस दोबारा लिख दे रहा हूँ चार इधर है, इसलिए ये प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब कि प्लस एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो पहला मूल निकलेगा और माइनस चिन्ह लेंगे तो दूसरा मूल निकलेगा। तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर एक्स बराबर माइनस फाइव प्लस 15/4, एक्स बराबर हो जाएगा 10/4, घट जाएगा यहाँ से। तब इसको 2 × 4, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, एक्स बराबर हो जाएगा 5/2, 2 से काट देंगे तो। अब माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर एक्स बराबर, सॉरी यहां दिखाई नहीं दिया दोस्तों, देख लीजिए, प्लस चिन्ह लेने पर एक्स बराबर माइनस 5 × 15/4, तो एक्स बराबर एक घट गया 10/4, और इसको 2 से काट देंगे, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, तो एक्स बराबर 5/2 आया है। और एक बार जो है माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 5, और यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 15/4, माइनस माइनस जुड़ेगा तो एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाता है 20/4, माइनस 20/4, तो ये 4 × 5 = 20 होगा, तो एक्स बराबर माइनस 5 है, माइनस 5। यही अभीष्ट हल है दोस्तों, बहुत ही आसानी से हल होता है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।